सभी साथियों को मेरा नमस्कार जोहार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। आपके भी चहेते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी जेल में डाल दिया। क्या सही किया उन्होंने? आज आप ही बताइए इनका क्या कसूर है, हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर है? अदालत ने उन्हें गुनाहगार नहीं ठहराया, कोई दोष साबित नहीं हुआ, फिर भी गुंडागर्दी से, छल से, कपट से उनको जेल में डाल दिया। कहते हैं जांच चल रही है, ये कैसी जांच है जहां आप बेगुनाह को बिना दोष कोई दोष साबित हुए जेल में डाल दो? ये तानाशाही है, ऐसी तानाशाही बर्दाश्त करेंगे आप लोग? भगवान करे ऐसी तानाशाही किसी को ना देखने को मिले। मेरे पति का क्या कसूर है? यही कि उन्होंने दिल्ली में सरकारी स्कूलों को अच्छा किया, अच्छी शिक्षा दिलवाई, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक की तो चर्चा दुनिया भर में है। देशभक्ति कूट कूट कर भरी है अरविंद जी में। उन्होंने जब आईआईटी पास की, उनके सभी दोस्त बाहर चले गए पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए, ये नहीं गए, इन्हें तो जनसेवा करनी थी। आपको एक बात बताती हूं जो किसी को नहीं पता अभी तक। हमारी जब शादी तय हुई तो अरविंद जी का मेरे से एक ही सवाल था, पूछने लगे कि मुझे समाज सेवा करनी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बताइए ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। अरविंद जी को आईआरएस की नौकरी मिली, अच्छे अच्छे लोगों को ऐसी नौकरी नहीं मिलती, लेकिन उन्हें तो समाज सेवा का जुनून था। नौकरी से छुट्टी लेकर गरीबों के लिए काम करने लगे। 2006 में तो नौकरी ही छोड़ दी और झाकर बस्ती में काम करने लगे। ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। 2011 में आंदोलन हुआ, आप सभी उस आंदोलन के बारे में जानते हैं। दो बार लंबा लंबा अनशन किया इन्होंने, 13-13 14-14 दिनों का, जनता के हक के लिए। शुगर के मरीज हैं, डॉक्टर्स ने मना किया, ये नहीं माने और अपनी जान दांव पर लगा दी। ऐसे शख्स है अरविंद केजरीवाल जी, उसूलों के एकदम पक्के। पहली बार जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो 49 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया, कोई चपरासी भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। अरविंद जी को सत्ता से कोई मोह नहीं है, बस उन्हें तो देश की सेवा करनी है, उनको देश को नंबर वन बनाना है। कहते हैं कि अगर पढ़े लिखे ईमानदार लोग ही राजनीति में नहीं आएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है, जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे,
कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है, कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। ये लोग अरविंद केजरीवाल जी की सोच को समझ ही नहीं सकते। अरविंद जी का मानना है कि इस देश ने उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बहुत अच्छी परवरिश हुई है उनकी। ये एक कर्ज है जो उन्हें चुकाना है, उन्हें देश के लिए संघर्ष करना है, देश की सेवा करनी है, और इस लड़ाई में डरना क्या। अरविंद जी बहुत बहादुर हैं, शेर हैं। मन में बस एक ही बात है, आम जिंदगी, आम आदमी के लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर बनाएं। जेल में भी उन्हें भारत माता की चिंता है। जेल से उन्होंने आप लोगों के लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप इस बार इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर इस देश को बहुत महान बनाएंगे। केवल नाम में ही इंडिया गठबंधन नहीं है, हमारे सबके दिल में इंडिया है। उन्होंने सबके लिए 6 गारंटी दी है। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली मिलेगी, कोई पावर कट नहीं होगा। दूसरी, हर गरीब को फ्री बिजली मिलेगी, मिलनी चाहिए बिजली फ्री गरीब को। तीसरी, हर गांव में, हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल बनेंगे जहां अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी, हर गांव, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, हर जिले में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनेंगे जहां पर हर देशवासी का फ्री और अच्छा शानदार इलाज होगा। पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक फसलों के वाजिब दाम मिलेंगे। और आखिरी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। ये सभी 6 गारंटी 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी भी प्लानिंग हो गई है। आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिला है हमको सबको। आपके आशीर्वाद से ही और प्यार की वजह से ही अरविंद जी और हेमंत सोरेन जी इन तानाशाही ताकतवर लोगों से संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी इस संघर्ष के समय में हमारे साथ रहिए, हमें आशीर्वाद चाहिए हेमंत जी को, अरविंद जी को। ये भारत देश है, ये देश पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है। यहां पर हम तानाशाही नहीं होने देंगे, हम तानाशाही को मिटा देंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ।
इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पोलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।